क्या क्यूबेक में आपका कॉलेज भी सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया है? क्या आपका भी अभी तक सीए क्यों नहीं आया है? और आप मॉन्ट्रियल और क्यूबेक में कोई और कॉलेज सर्च कर रहे हो? देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल द इमिग्रेशन गुरुज। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर, रिसर्च स्कॉलर ETS मॉन्ट्रियल कनाडा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। I have got so many subscribers in last few days. If you are new on this channel, please subscribe to the channel and hit the bell icon as well for the immigration related videos. तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूबेक में जो 10 कॉलेजेस के CAQ सस्पेंड हो गए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कौन से ऑप्शन बचे हैं जिन कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेक वन और टू फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो जनरली मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों का पहले से CAQ आ गया है उन स्टूडेंट्स को दे नीड नॉट टू वरी, दे कैन प्रोसीड विद देयर कॉलेजेस जो भी उनके कॉलेज थे पहले जहां पे उन्होंने एडमिशन लिया है और जहां से CAQ मिल भी गया है। कुछ लोगों के बायोमेट्रिक हो गए हैं, कुछ लोगों का फाइनल PPR पेंडिंग है, कुछ लोगों का अभी स्टेज इनिशियल स्टेज है। सो वट एवर द स्टेज, अगर CAQ मिल गया है यू कैन प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपने अभी तक फी डिपोजिट नहीं की है, यू आर ऑन द इनिशियल स्टेज, तो आप अभी भी अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन अगर आपने वीजा एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा दी है, नाउ यू शुड वेट। अभी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका आपके CAQ सस्पेंशन का, जो न्यू CAQ सस्पेंड हुए हैं उनका आपकी एप्लीकेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इवन इफ योर स्टूडेंट्स आर रिसीविंग ईमेल्स, जो ये सस्पेंशन वाली ईमेल है, इवन दो दे गॉट CAQ अर्लियर, पहले ही CAQ मिलने के बाद भी अभी कुछ लोग स्टूडेंट्स को ईमेल आई है, स्टिल नो नीड टू वरी, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, सो देयर शुड नॉट बी एनी इम्पैक्ट एंड यू शुड वेट फॉर योर फाइनल रिजल्ट। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है, यू शुड मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट। अगर एक्सेप्टेंस आती है, गो विद योर कॉलेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रिजेक्शन आता है, इन दैट केस यू कैन चेंज योर कॉलेज लेटर ऑन। तो अभी वेट कर लो, आई गेस 1 month के अंदर सभी के रिजल्ट आ जाने चाहिए। जिनका भी जेन इनटेक था अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बायोमेट्रिक पेंडिंग है, और जिनका बायोमेट्रिक अभी होना है और नेक्स्ट मंथ में होना है या अभी जेन में होना है, सो यू शुड रिसीव योर रिजल्ट बाय फेब एंड और समथिंग। तो जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट रादर देन चेंजिंग योर कॉलेज राइट नाउ, टेकिंग रिफंड एंड डूइंग ऑल द स्टफ। सो अगर आपकी प्रोसेस वीजा प्रोसेस ऑलरेडी हो गई है, देन प्लीज डोंट थिंक ऑफ चेंजिंग योर कॉलेज राइट नाउ। तो अपनी एप्लीकेशन के साथ ही स्टिक रहो। ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स का CAQ नहीं आया है और उनका कॉलेज उन 10 कॉलेजेस की लिस्ट के अंदर है जिनका CAQ सस्पेंड हुआ है, दे कैन अप्लाई विद अस, देयर इज नो वीजा प्रोसेसिंग फी, सो यू कैन अप्लाई विद अस फॉर फ्री। आपको अगर कॉलेज चेंज करना है, रिफंड लेना है, वी कैन हेल्प यू इन ऑल दिस प्रोसेस। एंड आपका जो नया कॉलेज या जहां भी आपको जाना है, वेदर इन क्यूबेक, मॉन्ट्रियल या फिर आपको टोरंटो साइड पे मूव करना है अपना कॉलेज, सो वी कैन हेल्प यू इन द एंटायर प्रोसेस एंड SOP एंड ऑल दोस थिंग, वो हमारा ही काम है, दैट वी विल टेक केयर। सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई विद अस, देर इज नो वीजा प्रोसेसिंग फी एंड यू कैन गो विद अस विद योर फर्दर एप्लीकेशन। सो दैट इज अ फैसिलिटी फॉर यू, आपको इसमें कुछ लॉस नहीं है बिकॉज देर इज नो वीजा प्रोसेसिंग फी। अगर आपको क्यूबेक में ही जाना है, अगर आपको मॉन्ट्रियल में ही जाना है, आपके कौन से ऑप्शंस रिमेनिंग है, लेट मी शेयर द प्रोग्राम ऑप्शंस, देन द कॉलेज ऑप्शंस, किसमें क्या अवेलेबल है। मेरे पास फी का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, आई विल शेयर दोस थिंग्स एज वेल। सो आपके पास प्रोग्राम कौन से अवेलेबल है, देर इज कंप्यूटर साइंस, देर इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस अकाउंटिंग, बायोलॉजी साइंस, फूड सर्विस मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, अर्ली चाइल्डहुड मैनेजमेंट। तो ये सब प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है अभी भी, बाकी जो कॉलेजेस बचे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स जो आपको इन 10 कॉलेजेस में मिल रहे थे, ये सब प्रोग्राम यहाँ पे भी अवेलेबल है या फिर रिलेटिव प्रोग्राम कोई ना कोई यहाँ पर अवेलेबल होगा। कॉलेजेस में आपको एक बार बता देता हूँ, लसाल कॉलेज, एसेंट कॉलेज, वेनियर, एवलॉन कॉलेज, सेंट मिशेल, मल्टी एक्सा, माइलस्टोन कॉलेज। सो ये सारे 7 ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं, जिन ऑप्शंस के साथ अभी जा सकते हैं, एंड यू कैन अप्लाई फॉर CAQ एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीजा। तो ऑप्शंस किस कॉलेज में कौन से ऑप्शंस मेजरली अवेलेबल है, लसाल कॉलेज में एवरेज कॉस्ट जो है वो $16,000 के आसपास है ऑन एवरेज, एक साल की फीस इतनी है। एंड 2 प्रोग्राम मेजरली यहाँ अवेलेबल है, बिजनेस मैनेजमेंट है, क्रिएटिव बिजनेस मैनेजमेंट है। तो 2 प्रोग्राम आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। देन एसेंट कॉलेज, यहाँ पर AI एंड मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल साइबर प्राइवेसी, ये प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। देन एवलॉन के अंदर आपकी एवरेज फीस बहुत कम है, 24 मंथ्स का जो आपके प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट IBM, तो ये 24 मंथ्स के 2 प्रोग्राम है। फीस है 2 साल की आपकी $23,000 अप्रोक्सीमेटली।
देन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का प्रोग्राम है, 15 मंथ का प्रोग्राम है ये, जिसमें 3 इयर्स का ही वर्क परमिट मिलता है। इसकी फीस आपके पास $17,300। तो ये 2 साल की फीस है, बहुत कम फीस है इसकी। देन सेंट मिशेल कॉलेज में अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, देन आईटी प्रोग्राम एनालिस्ट का प्रोग्राम है यहाँ पे, देन अकाउंटिंग का भी प्रोग्राम है, एंड इसकी फीस है ऑन एवरेज 15,500 आपकी फीस है यहाँ पे। देन मल्टी एक्सा कॉलेज के अंदर आपके प्रोग्राम है प्रोग्राम एनालिस्ट एंड नेटवर्क मैनेजर। आप यूजी लेवल जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो भी नेटवर्क मैनेजर के प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, सो इट इज एलिजिबल। फी इज अप्रोक्सीमेटली $12,000, 1 साल की फीस है आपकी। देन देर इज ए फैसिलिटी विद मल्टी एक्सा, वहां पर कॉलेज के ऊपर ही नेक्स्ट फ्लोर पे कंपनी है, CGI कंपनी, जो IT कंपनी है, दे प्रोवाइड द प्लेसमेंट फॉर मल्टी एक्सा। तो जो स्टूडेंट्स नीचे अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर जॉब इन द कंपनी, इन CGI कंपनी, जो कॉलेज के ऊपर ही है, एंड दे हैव द प्लेसमेंट पॉलिसी एंड प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद CGI कंपनी। सो IT की कंपनी है जहां पे बच्चों की प्लेसमेंट यूजली हो जाती है, तो मल्टी एक्सा में ये आपके पास एक फैसिलिटी है। देन माइलस्टोन कॉलेज जो है, माइलस्टोन कॉलेज में एक फैसिलिटी है कि यू कैन पे फी आफ्टर गेटिंग द CAQ। अगर CAQ आएगा तभी आप फी पे करना, अदरवाइज यू नीड नॉट टू पे एनी फी टू माइलस्टोन कॉलेज, दे विल प्रोवाइड यू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द फी इज लेस देन $11,000 पर ईयर, $10,825 फी है माइलस्टोन में। एक अच्छा प्रोग्राम इसके अंदर जो है वो कंप्यूटिंग सपोर्ट का है, 2 साल का प्रोग्राम है जिसके अंदर 8 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड है। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है कॉलेजेस के अंदर दैट वी कैन फाइंड आउट एज पर योर प्रोफाइल। सो इफ यू रियली वांट टू चेंज योर कॉलेज और इफ यू वांट टू अप्लाई फ्रेश, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, सो यू कैन यूज दीज कॉलेजेस एंड दीज प्रोग्राम्स जहां पे अभी तक कोई रिस्क नहीं है, एंड यू कैन अप्लाई फॉर CAQ, यू कैन गेट योर CAQ। और जिनका पीपल आर आस्किंग मी कि अगर हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस 10 सस्पेंडेड कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं है, देन विल आई रिसीव माय CAQ और नॉट, तो CAQ आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, CAQs आर कमिंग। तो आपको यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर CAQ अगर उन 10 कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं है। अगर उस लिस्ट में भी है एंड यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड CAQ, तब भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज योर CAQ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, वीजा प्रोसेसिंग। और अगर वीजा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है देन नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। इसके अलावा अगर जिनका CAQ नहीं आया है और कॉलेज की लिस्ट में आपका आपका कॉलेज है, 10 कॉलेजेस की लिस्ट में आपका कॉलेज है, इन दैट केस यू नीड टू वरी एंड यू नीड टू टेक रिफंड। और उस केस में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर रिफंड, इफ यू नीड हेल्प इन अप्लाइंग इन अदर प्लेसेस, तो यू कैन आस्क अस फॉर हेल्प। आई हैव गिवन माई नंबर ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में भी है और पहले भी मैंने शेयर किया है। And you can process your visa application with no visa processing fee. So thank you so much for watching this video till the end. Do subscribe to the channel, like, comment, and share the video as much as possible. See you in next video.